हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो आप लोग लोकेशन से ही समझ गए होंगे, कुछ अलग होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। आज हम लोग करने वाले हैं लेंस कार्ड के पावर और प्लेन वाले लेंसेस का फुल रिव्यू। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी पुरानी लेंसेस की वीडियोज पे काफी सारे व्यूज और काफी सारा प्यार दिया आप सभी लोगों ने, तो आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। हमने आज की वीडियो के लिए कोलैबोरेट भी किया है तनिष्का के साथ। हाय एवरीवन, माय नेम इज तनिष्का और मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स से। तो आज हम लोग जो रिव्यू करने जा रहे हैं वो लेंस कार्ड के लेंसेज है, तो देखते हैं उनका कैसा रिव्यू लेते हैं। तो गाइस फटाफट अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। लेंस कार्ड की आपको इस तरह की पैकेजिंग दिख जाएगी और इसके प्लास्टिक रैप को जैसे ही आप हटाओगे अंदर आपको बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सारे कंटेंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ बॉक्स खोलने के बाद आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर इसका एक्वा लेंस का सॉल्यूशन, देन आपको देखने को मिलेंगे लेंसेज। तो ये हैं दो लेंसेज, जीरो पावर के कलर लेंसेज, एक्वा कलर। अब मैं दूसरे वाले की अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, कलर वाले लेंसेज की। और कलर वाले लेंसेज तनिष्का यहाँ पर ट्राई कर रही है वो वाले आएंगे, तो फटाफट इनको भी देख लेते हैं। बॉक्स इनका भी आपको सेम देखने को मिलता है। जैसे ही आप बॉक्स खोलोगे यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, देन यहाँ पर आपको लेंसेज के पेयर। तो ये मैंने दो पेयर में करे थे, तो यहाँ पर आपको दो पेयर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको पैकेजिंग मिलती है। अब आपको यहाँ पर सॉल्यूशन की मैं पैकेजिंग दिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिलता है एक्वा लेंस का, और यहाँ पर आपको केस देखने को मिल जाता है लेंसेज को रखने के लिए। इनमें सॉल्यूशन फिल करके आप लेंसेज को रख सकते हो। और लेंसेज को मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि लेंसेज में आपको अंदर क्या देखने को मिलता है। साइड में आपको पावर लिखी हुई देखने को मिल जाएगी और इनका नाम। और जैसे ही आप अंदर खोलोगे तो अंदर आपको कुछ इस तरह की पैकेजिंग में लेंसेज देखने को मिल जाते हैं, जिसके कि ऊपर इसकी पावर लिखी गई है और इसका नाम लिखा गया है। मेरे पास जो शेड है वो है एक हैप्पी हनी और दूसरा शेड है मेरे पास स्पाइसी ग्रे। इन दोनों को मैं ट्राई करने वाला हूँ और आप लोग बताना ये कैसे लग रहे हैं। हाँ, मेरे पास जो शेड्स है वो है एक डस्क ब्लू और एक टर्कोइश। तो ये दोनों शेड्स हम लगा के देखेंगे कि ये कैसे लग रहे हैं। हम इसको इस तरीके से फिंगर पर लेंगे और नीचे से होल्ड करेंगे, सामने देखो, नीचे 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 इधर। शेड अब मैं लगाने वाली हूँ, ये शेड है डस्क ब्लू। हम इसको ओपन करेंगे, उसके बाद लेंस लेना है इस तरीके से और इसको फिंगर पे इस तरीके से प्लेस कर लेना है। जो ये लेंस बहुत इजीली लग जाएगा। अगेन सेम प्रोसेस से हम इसको दूसरी आई में रिपीट करेंगे। नीचे से आई फोल्ड करनी है, ये प्लेस करना है और लेंस इजीली लग जाएगा। अब गाइस कुछ फोटोज चेकआउट कर लेते हैं लेंसेज में। तो मैंने यहाँ पर ट्राई करे थे ग्रे वाले लेंसेज और कुछ इस तरह की लुक्स ये दे रहे हैं। काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और बढ़िया लग रहे हैं लेंसेज देखने में। और दूसरे वाले यहाँ पर पावर वाले ट्राई कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह की लुक ये वाले लेंसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लुक आ रही है लेंसेज की। और यहाँ पर आप साथ में साथ बैठे भी देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये लुक्स देते हैं। प्लस यहाँ पर आपको पावर का भी देखने को मिल जाते हैं और आप थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी देखते हो इनमें। तो दोनों ही चीज़ें आपकी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाती है लेंसेज के साथ।
हम लोग बात करते हैं लेंसेज के एक्सपीरियंस के बारे में कि इसको लगाने के बाद कैसा लगा। इनिशियली थोड़ी सी इचिंग हो रही थी आईज में स्टार्टिंग के 2 to 3 मिनट्स, लेकिन उसके बाद ये सेट हो गए और अब बहुत अच्छे से विजिबल है, ब्लर भी नहीं है, सब कुछ इजीली दिख रहा है और फील भी नहीं हो रहा कि कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाए रखे हैं, तो बहुत लाइट वेट है कैरी करने में भी और सॉफ्ट भी है। ओवरऑल मैं जीरो पावर वाले लेंसेज की बात करूं तो इनिशियली जब मैंने लगाए थे हल्का सा मेरे से साइड का विजन हल्का सा ब्लरी था, बट थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद वो सब एडजस्ट हो गया और अभी मुझे एकदम क्लियर सब कुछ अच्छे से दिख रहा है और आपको लेंसेज दिख भी रहे होंगे। काफ़ी बढ़िया से ये लुक को इन्हेंस कर दे रहे हैं, शादी पार्टी फंक्शन वगैरह में आप इनको यूज़ करके बढ़िया से जा सकते हो। हाय गाइस, आज मैंने ट्राई किए हैं एक्वा लेंसेज और ये जीरो पावर लेंसेज हैं और इनका नाम है हैप्पी हनी। तो आज हम आए हैं आउटडोर में लेंसेज की टेस्टिंग के लिए। मैंने आज फर्स्ट टाइम लेंसेज ट्राई किए हैं तो मुझे स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये लेंसेज काफ़ी लाइट वेट है, मुझे विजन भी काफ़ी क्लियर आ रहा है और मतलब आईज़ में भी ऐसी कोई इरिटेशन और वैसी कोई फीलिंग नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम भी लेंसेज के साथ बहुत अच्छा रहा है। तो हम लोग लेंसेज के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि उससे क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा लुक देता है, एक मेकअप को अगर हम मेकअप करते हैं तो ओवरऑल उसको भी इनहांस करता है। सेकेंडली तो अगर बारिश हो रही है और हम बाहर जाते हैं तो कॉन्टेक्ट लेंसेज से ड्रॉप्स नहीं आते हैं उस पर और इजी रहता है कैरी करना। और मैं पॉजिटिव्स की बात करूं जीरो पावर वाले तो ये आपके लुक को इनहेंस कर देते हैं काफ़ी बढ़िया, और मास्क वगैरह अगर आप पहनते हो तो उस पर भी फ्रॉस्ट वगैरह जो जम जाती है वो सब नहीं आती है लेंसेज के बाद। अब हम कॉन्टेक्ट लेंसेज को रिमूव करेंगे, नीचे से आए हल्की सी इस तरीके से पुल करनी है, इसको स्वाइप करना है और ये कॉन्टेक्ट लेंस आ जाएगा। बहुत इजी है इसको निकालना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई। अब हम दूसरी आई का भी सेम वे से निकालेंगे, नीचे से हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, फिंगर से लेंस को स्लाइड करेंगे और ये आ जाएगा हाथ में। और फिर जो इसके साथ केस आया है और सोल्यूशन आया है इसके अंदर ही इसको हम रख देंगे और फिर बाद में नेक्स्ट टाइम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लेंसेज से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट हो तो क्वेश्चन बॉक्स में पूछ लेना, और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप आ सकते हो, आपको वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।